नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। मकर संक्रांति का त्योहार, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हिंदू महीने के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारत वर्ष में मुख्य फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। मुख्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब के लोग इसे लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। इस दिन उत्सव के रूप में स्नान दान किया जाता है, तिल और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं, और खासकर पतंगे उड़ाई जाती हैं। मकर संक्रांति पर्व मुख्यतः सूर्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। भारत में सूर्य उदय के साथ ही पतंगे उड़ाना शुरू हो जाता है। पतंगे उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, चाहे इंसान देश में रहे या विदेश में, अपनी सभ्यता और संस्कृति हमेशा उसे बनाए रखनी चाहिए। ऐसा ही एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत से कोसों दूर समुन्दर पार लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति की पहचान बनाए हुए हैं और अपना त्योहार मनाना नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो कि दुबई के ममजार बीच पार्क में एक काइट फेस्टिवल का समारोह हो रहा है। वहाँ पे देखिए लोग कितने आनंदित हो रहे हैं पतंगबाजी करके। पतंगबाजी करने का, बड़े बूढ़े बच्चे छोटे हर कोई पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा है, और खासकर सागर किनारे पतंग उड़ाने का अपना एक अलग ही मजा है। बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा उत्साह है। चलिए देखते हैं लोग किस तरह पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। पार्क के अंदर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने देश से दूर, भारत से दूर रहकर भी लोग अपने त्योहार को मनाना नहीं भूलते, अपनी सभ्यता और संस्कृति को देश विदेश में भी जाकर जीवित रखे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है करना जारी रखते हैं। ऐसे ही पतंग I'm gonna make you mine.
बैठे हैं, कितना मजा आ रहा है।